हे गाइस व्हाट इज अप यार दिस इज क्रिश फ्रॉम त्रिपुरा तो गाइस मैं आप लोग के फिर से आ गए यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया से अच्छा मुझे न्यूज़ तक आप लोग यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस यार फर्स्ट जो न्यूज़ आता है वो आता है बेसिकली श्री वाईटी की तरफ से। बेसिकली श्री वाईटी भाई को यार किसी एक यूट्यूबर ने 3 स्ट्राइक दे दिया, तो इसके ऊपर श्री वाईटी ने एक वीडियो डाला जैसे आप लोग देख सकते हो आई क्विट। इसके ऊपर मतलब इस वीडियो पे यार श्री भाई ने मतलब रो दिया, रो मतलब रोते रोते वीडियो बनाया। तो यार प्रे करो कि जल्दी से जल्दी वो स्ट्राइक हट जाए। देन जो स्टोरी आता है वो आता है बेसिकली क्रंटन की तरफ से। क्रंटन अपने लाइव स्ट्रीम पे टिकटॉक बैक के ऊपर बात कर रहे थे, तो यार एग्जैक्टली वो क्या कहा वो आप लोग खुद सुन सकते हो। एक और बात बता दो टिकटॉक वालों, तुम्हारा टिकटॉक भी बहुत जल्दी अनबैन होने वाला है। अब आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है, करो या ना करो, बट भाई ये टिकटॉक वाले प्लीज, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे दिल की बात बोल रहा हूँ, ऐसे मत बोलना कि यार ये हेलो कैसे बात इसको पता चली। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये मंथ एंड तक टिकटॉक पे वापस आने वाला है। अब टिकटॉक वालों लग जाओ काम पे और बाद में मेरे को थैंक्स बोलना। देन जो स्टोरी आता है वो था बेसिकली अदनान की तरफ से। अदनान ने हेटर्स को एक रिप्लाई दिया अपने इंस्टाग्राम पे, तो यार आप लोग खुद देख सकते हो, देखो यार देख। हेटर लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगा भाई, मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। ये बंदा कैसे जल्दी काम में लेके कल की ना, पर वो मुझे कल की से गाइस। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी कहना चाहते हो तो सिंपल सा कमेंट करके बता देना। देन जो स्टोरी आता है वो आता है बेसिकली पी पॉय की तरफ से। पी पॉय ने हिंदुस्तानी भाव को फिर से रिप्लाई दिया। बेसिकली मैंने मतलब कुछ दिन पहले बताया था कि हिंदुस्तानी भाव पी पॉय को रिप्लाई दिया था, तो पी पॉय फिर से बोला था कि हिंदुस्तानी भाव को बहुत जल्दी रिप्ले देने वाला है। तो यार फाइनली वो वीडियो अपलोड कर दिया, उसका एक छोटा सा पार्ट देख सकते हो। नया चीज शुरू करिए, भाई वेब सीरीज में गालियां होती है, मूवीज में वायलेंस होती है, मूवीज में गाली होती है, तो हम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दे सकते भाई? वो फिक्शन है। ये जो अमिताभ बच्चन जो कहते हैं ना रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, सही में बाप बन जाते हैं रिश्ते में सबके। और मुझे एक बात बताओ ना, ये इतना टाइम कैसे लग गया 4 महीने बाद, ये कहाँ से? क्या मैं असलियत बता दूँ, क्यों तुमने ये रिएक्शन दिया, क्यों तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, मेरे को पर्सनली अटैक किया है? याद है कुछ टाइम पहला मैं बोला था एक ज्ञानी बाबा है करके, तो ज्ञानी बाबा ने एक चिंगम की शक्ल का ज्ञान बोलता है, करता कुछ नहीं बस। क्या हुआ यार इस बंदे का? ये देखिए इसका नाम क्या है, पी पॉय, कार्टून आया था घर पे। गाइस मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे लगा मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, पर फिर मुझे लगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है विकास जो है वो समझेगा मेरी बात को, बिकॉज उसमें एक ऐसा इंसान है जिसमें बहुत इंसानियत है। इसलिए कुछ मुद्दों पर मैंने उनका साथ भी दिया था और मुझे पता है कि उनके अंदर एक ऐसा इंसान है जो कि लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, पर सही मुद्दों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा, इस अटैक पर जो पर्सनल अटैक है उस पर रिप्लाई दूंगा, चाहे इसमें बस गालियाँ हों, लॉजिक बिल्कुल ना हो, पर कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे जैसे लोग ना इधर से बात करते हैं, इधर से तुम्हारे जैसे बात नहीं करते हम लोग। अच्छा तो मुझे तो लगता था विकास की लोग मुंह से बोलते हैं, ये यहाँ से कैसे बोलते हो भाई? और अगर बोलते हो तो ये गालियां बोलते हो यहाँ से, दिल से गालियां निकलती हैं? और कैसे किसी के आकार को, किसी के रंग रूप को, किसी की कद काठी को दिल से जज करते हो भाई? की चिंगम की शक्ल का ये जो टिप्पणी तुमने मेरे रंग रूप पे करी है ना, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता विकास। बचपन में बहुत चीजें मैंने सुनी हैं ऐसी, पर एक टाइम आया जैसे कुछ ऐसे लोग मेरे सामने आए जिनको देखने के बाद लगा कि इट्स द कर्मा विच मेक्स यू विनर इन लाइफ। ये आकार कैसा है, रंग रूप कैसा है, ये बातें कुछ मायने नहीं रखती। दूसरा रंग रूप कद काठी भगवान देता है, और जैसा भी हो किसी का भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। माँ बाप इस दुनिया में तुम्हें लेकर आते हैं, तो जैसे भी हो गर्व होना चाहिए। और विकास ये मैंने यहाँ से ही बोला, पर इसको समझने के लिए इसका जरूरत है। तुम्हें पता है हमारे जो देवी देवता हैं उनमें से कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनके सर जानवर के हैं, जो बैठते हैं जानवरों पर, जिनका रंग रूप शायद गोरा ना हो, सांवला हो या फिर काला हो, पर तब भी वो एक शक्ति के प्रतीक हैं। तो मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं बिलीव करता, क्योंकि मैं अपने इतिहास अपनी संस्कृति पे बिलीव करता हूँ, उसमें रंग रूप की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, सोच है, और जो तुम्हारा कर्म है, वैल्यू उसकी है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक अधेड़ उम्र की औरत
करीबन 55-60 साल की, एक बैंक में गई, बोलती है कि भाई मुझे 500 रुपए विड्रॉ करने। तो वहाँ जो कैशियर थी वो बड़े गुस्से में बोलती है 5000 तक तो आप एटीएम से विड्रॉ करो, यहाँ मत आइए। तो कहती भाई मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो ऐसा करो आप मेरा सारा पैसा जितना भी बैंक में मुझे दे दो। जब कैशियर ने पैसा चेक किया तो कुछ 100 करोड़ रुपए थे, हिल गई, पसीना आने शुरू हो गए। तो कहती है कि भाई सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा अकाउंट है। उसने कहा कि हम आपको बस 10 करोड़ ही दे सकते हैं, इतना ही कैश है बैंक के पास। तो उसने कहा ठीक है मैं इतना कैश ले लेती हूँ अभी इस वक्त। उन्होंने 10 करोड़ रुपए लाके थमा दिए। तो उस औरत ने पता क्या किया, 9,99,99,500 रुपए और बोला कि ये डिपॉजिट कर दो। तो कहने का मतलब ये है विकास की, कभी भी किसी के रंग रूप से जज मत करो किसी को, कोई कैसी भी शक्ल का हो उससे जज मत करो। तुमने कहा कि मैं ज्ञानी बाबा हूं, मैं बस ज्ञान देता हूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता, बस घर में बैठ के ज्ञान दे सकता हूं। ज्ञान है, करता कुछ नहीं घर में बैठ के। हाँ मैं कार में नहीं बैठ पाता तो घर में बैठ लेता हूँ। तो ये इतने दस की इस वीडियो में, तो अभी आप वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग गया तो प्लीज़ यार डेफिनेटली मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूँ गाइस, तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तकले बाबा जी बंद मत रहा हूँ।